हर वर्ष की भांति पिछले लगभग 4 वर्ष से हम लोग हरियाणा के सांस्कृतिक राजधानी जिसको कहना चाहिए कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का एक कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की भव्यता हर वर्ष से आगे बढ़कर के उत्तरोत्तर उसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। अब चूंकि कुरुक्षेत्र का स्थान हरियाणा के इतिहास का, हरियाणा की संस्कृति का एक ऐसा भव्य द्योतक है कि जिसका परिचय जैसे जैसे देश और दुनिया में लोगों को पता लग रहा है वैसे वैसे आकर्षण बढ़ रहा है। इस बार ये उत्सव वैसे तो 23 नवंबर से ये शुरू हो चुका है और 10 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम 3 दिसंबर से 8 दिसंबर जो गीता जयंती का होगा। इससे पहले सरस मेला ये शुरू किया जा चुका है और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते से जो आयोजन है वो भी शुरू हो चुका है। इस बार की विशेषताएं, उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हमको अतुल्य भारत यानी इनक्रेडिबल इंडिया, ये जो प्रतीक चिन्ह है जिसका उपयोग देश में किसी किसी कार्यक्रम के माध्यम से होता है लेकिन भारत सरकार ने इस महोत्सव में इस लोगों का उपयोग करने की अनुमति दी है, एक बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस एक काम इस उत्सव के लिए हुआ है। यह भी एक संयोग है कि गीता जयंती का समापन कार्यक्रम होगा उसके एक पखवाड़े के अंदर अंदर इस बार सूर्य ग्रहण का जो एक अवसर 26 दिसंबर को आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी एक खगोलीय घटना है, ये भी 15 दिन के अंदर अंदर आ रही है। और जब भी कभी ऐसा सूर्य ग्रहण का मेला लगता है तो उसमें भी लाखों लोग कुरुक्षेत्र आते हैं। ये इस बार मेला 10 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में लग रहा है। इस बार गीता जयंती महोत्सव में लगभग 15 देश, बहुत से देशों का तो कन्फर्मेशन आ गई है, कुछ देशों के कन्फर्मेशन आने वाली है, लेकिन 15 देश हैं जो भाग लेने वाले हैं, जिसके अंदर खास करके ब्रिटेन, मॉरिशियस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये 4 देश तो ऐसे हैं जहां गीता जयंती के कार्यक्रम या तो हो चुके हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम करने के लिए बहुत से देशों ने अपनी रुचि दिखाई। तो सबसे पहला कार्यक्रम हुआ था मॉरिशियस में, उसके बाद यूके में, अभी ऑस्ट्रेलिया की तिथियां तय हो गई हैं, मार्च 2020 में वहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम होगा। इसी प्रकार कनाडा के लोगों ने भी हमको कहा है कि कोई तिथियां तय करके वो आपस में बातचीत करके तिथि तय होगी और वो भी कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसे बहुत से देशों से प्रतिनिधि आएंगे, देश भर के विश्वविद्यालय उनके प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में आएंगे, बहुत से विद्वान उसमें आएंगे, कुछ विदेश के विश्वविद्यालय वो भी इस बार आ रहे हैं, वहाँ के भी विद्वान जो गीता के ऊपर अपना शोध करते हैं, गीता के बारे में जिनकी रुचि है वो सब लोग भी इस बार आ रहे हैं। हर वर्ष हम किसी न किसी एक प्रदेश को अपना पार्टनर प्रदेश इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं जो भागीदार राज्य होता है, और एक देश भी ऐसा जो भागीदार राज्य देश होता है। तो इस बार उत्तराखंड जो है वो भागीदार राज्य के रूप में भाग लेगा और वहाँ के भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले ट्रूप्स, वहाँ के हमारे जो नेता अधिकारी वो भी सब इसमें भाग लेने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के इर्द गिर्द 41 तीर्थ स्थल जो 48 कोस की परिधि में हैं, उन तीर्थ स्थलों पर भी इस बार ये गीता जयंती का कार्यक्रम किसी न किसी रूप में हो रहा है इसी समय पर, और वहाँ से भी लोगों का आना जाना, कुरुक्षेत्र से उन स्थानों पर जाना, उन स्थानों से कुरुक्षेत्र में आना, उसके बाद उसका भी एक प्रबंध किया गया है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इसको भी वहाँ व्यवस्था की जा रही है ताकि वहाँ से लोग आना जाना करें।
गीता के संदेश की प्रदर्शनी, सेमिनार, सांस्कृतिक संध्या, शोभा यात्रा आदि ये जो डिटेल्ड कार्यक्रम हैं वो सब आपको मिले होंगे, नहीं तो मिल भी जाएंगे। मुख्य रूप से उसमें ब्रह्मस्वरूप पर गीता यज्ञ और पूजन ये किया जाएगा 3 तारीख को, जो गीता जयंती का जो शुभारंभ का एक प्रकार से जो दिन है, तो ऐसा। इसके बाद भगवत गीता का सनातन धर्म और सार्वभौमिक कल्याण विषय पर कुरुक्षेत्र विद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी, इसका भी उस दिन शुभारंभ किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले बहुत से ऐसे गीता मनीषी जो आने वाले हैं, उसमें गीता मनीषी श्री सत्य कालरा जी अमेरिका से, गीता मनीषी ओलेग गोरसेवस्की रूस से, जापान से प्रोफेसर हिरोयुकी सातो, फिर जापान से सुश्री रिको सान, मॉरिशियस से डॉक्टर सुश्री अनीता सेवुगोलम, ऐसे ही मॉरिशियस, इंडोनेशिया, बेल्जियम, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब लोगों ने अपनी सहमति दी है जो इस अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में भाग लेंगे। ब्रह्मस्वरूप पर प्रतिदिन 3 से 8 दिसंबर तक सायंकाल के समय भव्य आरती और प्रकाश और ध्वनि, लाइट एंड साउंड शो ये भी चलेगा, जिसमें महाभारत और गीता पर आधारित प्रकाश और ध्वनि का जो शो है वो ब्रह्मस्वरूप पर इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन सायंकाल जो कलाकार हैं स्वदेशी और विदेशी भी, उन कलाकारों द्वारा गीता, श्री कृष्ण, महाभारत, कुरुक्षेत्र आदि विषयों पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनका भी आयोजन प्रतिदिन सायंकाल के समय होगा। प्रसिद्ध कवि जो हैं उनकी भी भागीदारी होगी, कवि सम्मेलन भी उसमें बीच बीच में उनका आयोजन भी किया जाएगा। अष्टादशी श्लोक, ये जो हर वर्ष हम कार्यक्रम करते हैं कि 18 अध्यायों के 18 श्लोक और 18,000 विद्यार्थी, ये सामूहिक श्लोक की एक बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम होता है। इस बार 18,000 विद्यार्थियों के साथ साथ 3,000 नागरिक, अन्य नागरिक वो भी उसमें सम्मिलित होंगे, और इसी दिन यानी 8 दिसंबर को ही दुनिया के अन्य बहुत से स्थानों पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से वहाँ के अपने समय के हिसाब से वो भी वहाँ सामूहिक एक इन 18 श्लोक का जो वाचन है वो करेंगे। 8 दिसंबर गीता जयंती के दिन एक भव्य शोभा यात्रा कुरुक्षेत्र में, वो भी विभिन्न संस्थाएं उसका आयोजन करेंगी, वो भी वहाँ करेंगे। विधिवत जो उद्घाटन 23 नवंबर को हुआ, यानी जिसमें शिल्प और सरस मेले, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और सरस मेले का जो उद्घाटन किया गया, उसका समापन 10 दिसंबर को होगा, सरस मेला और जो शिल्प का जो मेला है, शिल्पकारों का ये जो संगम है, सारे देश भर के शिल्पकार वहाँ आते हैं, उनको स्थान उपलब्ध कराए जाते हैं, और जो बहुत से आगंतुक हैं वो सब गीता जयंती के साथ साथ इस शिल्प और सरस मेले का भी उपयोग करते हैं, खरीदारी के लिए, सामान बेचने के लिए, कुछ नए नए ऐसे उत्पाद हैं उनका भी, उन सब लोगों को ज्ञानवर्धन होता है। तो इस प्रकार की एक बहुरंगी, एक जिसको कहना चाहिए इंद्रधनुषी छटा, ये वहाँ बिखरती है, जब देखते हैं तो सारा देश एक स्थान पर आ गया है, ऐसा उसमें से लघु भारत की एक देखने की एक कल्पना जो है वो साकार होती है। अलग अलग प्रदेशों के जो पेविलियन होंगे वो भी अपने अपने प्रदेशों के, हरियाणा का भी वहाँ पेविलियन होगा, कुछ संस्थाएँ अपना पेविलियन वहाँ बनाएंगी, जैसे श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर इस बार विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, उनके द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर और प्रदर्शनी ये लगाई जाएगी। वॉल पेंटिंग, पेंट द वॉल प्रतियोगिता होगी, जिसमें 200 प्रमुख चित्रकार इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। गीता पुस्तक मेला, जिसमें इस्कॉन है, रामकृष्ण मिशन है, जियो गीता है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान ये उस पुस्तक मेले में भाग लेने वाले हैं। गीता मैराथन, जिसका आयोजन अभी 24 तारीख को कल ही हुआ है, हमारे मंत्री श्री संदीप सिंह जी, इन्होंने उस मैराथन का शुभारंभ कराया, उसको हरी झंडी दी, और 6 किलोमीटर की लंबी दौड़ हज़ारों लोगों ने उसमें भाग लिया, उसके अंदर प्राइजेज भी रखे गए थे, 31,000, 21,000, 11,000, 21,100 रुपये, ऐसे महिलाओं के अलग, पुरुषों के अलग। महिलाओं की दौड़ 4 किलोमीटर की थी, पुरुषों की 6 किलोमीटर की थी, तो ऐसे ये पुरस्कार राशि भी वहाँ दिए गए। एक अलग से सरपंच सम्मेलन
गांव के सरपंचों का ये सम्मेलन भी रखा गया है ताकि उसके माध्यम से उनको जानकारी भी मिले और वो गीता जयंती के अवसर पर आकर के देख भी सकें। कुरुक्षेत्र में जो श्रद्धालु आएंगे ये 18 नवंबर को हो गया है, हो चुका है। श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए भी यातायात व्यवस्था ऐसी इस बार की गई है, 1 दिसंबर से और 10 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र के दायरे में 100 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ तक, जिसमें सामान्यतः 9 जिले आते हैं, इन 9 जिलों में दैनिक बस सेवा ये शुरू की गई है, हर शहर से, बड़े कस्बे से, गांव में होते हुए, और उनको 30 स्थान के ऊपर यात्रा करने की जो हमारी पहले से एक नीति बनी हुई है, 50% किराया, इससे उनको लाया जाएगा। उन बसों को एक स्पेशल पहचान दी जाएगी, मेला स्पेशल, और उनमें योजना बना करके सबको पहले से बताया जाएगा कि कितने बजे बस वहाँ से चलेगी और कितने बजे इधर से वापस जाएगी। उसका एक प्रबंध कर रहे हैं, डिपार्टमेंट प्रबंध करेगा। योजना हमारी यह है कि जो आने वाले हैं उनको पहले से कूपन दिए जाए 50% किराए पर, और वो अपने दिन निश्चित दिन के ऊपर आ सके, निश्चित दिन पर जा सके, ताकि उनका दिन भी निश्चित हो, यात्रा का समय भी निश्चित हो, और बसों का पूरा उपयोग भी हो जाए। जो निकट के स्थान हैं उनके एक की बजाय 2 चक्कर भी लग सकते हैं। दूर का स्थान है, एक बार सुबह आना, एक बार शाम को जाना, ऐसा लगभग 100 बसों का ये एक प्रबंध इस बार, ये पहली बार किया है। 100 किलोमीटर के दायरे में से 100 बसें, यानी इसमें जिले जैसा मानो पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, कैथल, ये 9 जिले इसमें मोटे रूप से आते हैं। अगली बार देखेंगे कि और इसको विस्तार करना तो बाहर भी करेंगे। वैसे हर जिला केंद्र पर भी 6-7-8 दिसंबर 3 दिन गीता जयंती के कार्यक्रम हर वर्ष की भांति ये भी होंगे। वहाँ सब व्यवस्थाओं के लिए, चाहे इमरजेंसी व्यवस्थाएं हैं, चाहे अन्य सेवाएं हैं, उन सब का भी प्रबंध किया गया है। उसका एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, एम्बुलेंस है, क्रेन है, एक रिकवरी वैन है, हर एक सारी जो गतिविधियां हैं उसका ध्यान रखने के लिए अलग से CCTV कैमराज लगाए गए हैं, ताकि प्रबंध में किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था ना हो और कोई किसी प्रकार की कंटिजेंसी, कोई इमरजेंसी या कोई यानी अत्यंत आवश्यकता कोई भी अकस्मात आए तो उसके लिए भी सारे प्रबंध वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो सब कर दिए हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर उन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, सब प्रबंध किए गए हैं। जो ऐसे बहुत से और विषय भी हैं जिनकी चर्चा करना यहाँ ठीक रहेगा। महाआरती का तो जैसा पहले से चलता है उसका हमको ये विषय ध्यान में है ही है। कुरुक्षेत्र को इन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश और दुनिया का ऐसा एक स्थान बने, तीर्थ स्थान, कि जिसका आकर्षण दिनों दिन बढ़ता चला जाए। वहाँ का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वहाँ की और विकास की चीज़ें हैं, उसका फैलाव है, अलग अलग प्रदेशों के लोग भी वहाँ आकर के कोई स्थायी व्यवस्था अपनी बनाए। हमने ये भी एक विचार किया है, भी योजना बना करके फाइनल करके बताने वाले हैं कि हर एक प्रदेश यदि चाहे तो अपना कोई एक भवन उस प्रदेश के नाते से तीर्थयात्रियों के लिए वो बना सकता है। इसके लिए 1500 मीटर से और 2000 मीटर तक ये जगह हम रियायती दरों पर हर प्रदेश को देंगे, ताकि वो अपना भवन आकर के बनाएं और वहाँ के प्रदेश के लोग यहाँ आकर के यात्री रह सकें, कर सकें। हरियाणा ने भी ऐसा अपनी पहल जो की है, सबसे पहली पहल जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ पर एक 1500 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट लेकर के हम जल्दी एक भवन बनाने वाले हैं, ताकि वहाँ हरियाणा के जो लोग जाएं उनको रहने की व्यवस्था हो सके। इसी प्रकार तीर्थ स्थानों के ऊपर, अन्य स्थानों पर विचार चल रहा है कि लोगों के आने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सब हम करेंगे। एक बड़ी योजना जिसकी घोषणा मैंने हरिद्वार में की थी कि भारत माता मंदिर हम कुरुक्षेत्र में एक बनाएंगे, हाँ, उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन का प्रबंध करेंगे, कहीं भी ज्योतिषर और ब्रह्मसौर के बीच में जहाँ जगह मिलेगी। विचार तो इससे भी ज़्यादा, उसके बाद कुछ सुझाव आए हैं कि इसको और बड़ा ज़रा भारत दर्शन नाम से कोई एक स्थान बनाया जाए। अगर ऐसा बनता है तो फिर बाकी प्रदेशों की भी जगह जो हम देने वाले हैं उसी स्थान पर दे सकते हैं। तो ऐसा पूरे देश के लोग जब आते हैं तो एक लघु भारत के रूप में और कुरुक्षेत्र का एक धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक इन विषयों को लेकर के केंद्र ऐसा ये बने। गीता के ऊपर अध्ययन के भी नाते से कुछ स्थान ऐसे बन रहे हैं, बहुत से जो और भी संस्थान हैं, संस्थाएं हैं, वो भी कुरुक्षेत्र को अपना महत्व दे रही हैं।
जैसे जिया जियो गीता संस्थानम, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और ज्ञान मंदिर, इनका निर्माण कार्य भी हो रहा है। तो एक प्रकार से एक ऐसा स्थान बनेगा जो विद्यार्थियों को, जिनको अध्ययन करना है, जिनको पढ़ाई करनी है, जिनको गीता के बारे में शोध करना है, ऐसे लोगों के लिए भी एक ही बड़ा स्थान ये अपना होने वाला। पर्यटन मंत्रालय की ओर से जो स्वदेश दर्शन स्कीम है उसमें कृष्णा सर्किट, श्री कृष्णा सर्किट एक बनाया गया है, कुरुक्षेत्र में उसको शामिल कर लिया है, ताकि श्री कृष्णा सर्किट का जो बजट है उसमें जो जो स्थान आएंगे उन सब में से भी उस सर्किट में कुरुक्षेत्र को शामिल करके और उसके बजट का उपयोग उस सर्किट के लिए किया जा सके। इस स्कीम के तहत जो कुरुक्षेत्र के तीर्थ हैं उनको तो विकसित करेंगे ही, साथ में जो छोटे तीर्थ हैं, जैसे मैंने बताया अभी 41 तीर्थ का विकास की योजना तो बन गई है, लेकिन वहाँ कुल मिलाकर के तीर्थों की संख्या 134 है। इस 48 कोस में 134 स्थान ऐसे हैं, छोटे छोटे गाँव में भी ऐसे प्राचीन महत्व के स्थान वो हैं, कहीं सरोवर बना है, कहीं मंदिर बना है, कहीं बहुत पुराने काल के ऐसे अवशेष उसमें मिले हैं, उन सब का भी विकास करने की बात ये उसमें है। जहाँ तक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार का विषय है, उन्होंने कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर के आसपास ब्रह्म सरोवर को भारत के जो 30 स्वच्छ स्थलों की सूची, यानी ब्रह्म सरोवर स्वच्छ स्थल ये रहे हमेशा के लिए, उसमें शामिल कर लिया है। तो स्वच्छ स्थल के नाते से, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत लोग उसमें आते हैं, उसकी स्वच्छता का भारत सरकार के द्वारा जो योजना बनाई जा रही है उसमें उसको शामिल किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने CSR के माध्यम से कुरुक्षेत्र को दिव्य कुरुक्षेत्र बनाने में और अपनी एक भूमिका का संकेत किया है और बल्कि संकल्प लिया है। तो इंडियन ऑयल के साथ एक MOU होने वाला है, जो महानुभावों ने, जिन्होंने अपनी सहमति दे दी है अभी, जैसे उत्तराखंड मैंने बताया कि भागीदार राज्य होगा, तो उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उद्घाटन के अवसर पर आएंगे 3 दिसंबर को, हिमाचल के स्पीकर श्री राजीव बिंदल भी आएंगे, 7 तारीख को श्री प्रहलाद पटेल जो आर्ट एंड कल्चर के मिनिस्टर हैं सेंटर में वो आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा वो आने वाले हैं, 8 तारीख को श्री नितिन गडकरी, उनका समय तय हो गया है, और उत्तराखंड की राज्यपाल भी समापन अवसर पर रहेंगी, श्रीमती बेबी रानी भरोया। इसके अतिरिक्त जो विदेशों के लोग हैं उनका, जैसे मैंने बताया कि 15 देशों में से लोग आने वाले हैं, कुछ राजदूत हैं उनका भी पत्र हमको मिला है, जो यहाँ राजदूत हैं, नेपाल के डिप्टी हाई कमिश्नर, उज्बेकिस्तान के राजदूत, इस तरह ब्रिटेन के दूतावास के उच्च अधिकारी, तो ऐसे कुछ ये लोग भी आने वाले हैं। कुरुक्षेत्र को एक दिव्य कुरुक्षेत्र, इस प्रकार का एक संज्ञा दी गई है कि हम आगे चल करके इसको एक भव्य, जैसे मैंने बताया, एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हरियाणा में ऐसा स्थान विकसित करें कि देश और दुनिया के लोगों का एक पर्यटन का एक केंद्र बने, एक भ्रमण का केंद्र बने, अध्ययन का एक केंद्र बने, रिसर्च का केंद्र बने। और जैसा हम जानते हैं कि कोई भी समाज, कोई भी देश प्रदेश अपने इतिहास, उज्ज्वल इतिहास और अपनी संस्कृति, इसको कितना ज़्यादा उजागर करके आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं, उनको एक ज्ञानवर्धन करा सकते हैं, उतना ही आने वाली पीढ़ी संस्कारित होगी, गौरवान्वित होगी, उतना ही उनको अपने प्रदेश और देश के ऐसे महत्व को ध्यान में रखते हुए देश और दुनिया में काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर और बढ़िया कैसे हो, इस पर हमारी लगातार टीमें काम कर रही हैं। इसमें सरकार का तो एक सहयोग होता है, मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, जिनके चेयरमैन हमारे गवर्नर साहब हैं, उनकी देखरेख में सब होता है। संस्थाएं भी धीरे धीरे इसमें बढ़ने लग गई हैं, तो जितनी संस्थाएं ज़्यादा बढ़ेंगी उतना इसका स्वरूप और ज़्यादा निखरेगा, ऐसा मेरा मानना है।